नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, गर्मी आ चुकी है और बरसात का टाइम भी आ चुका है, और ऐसे में जामुन जो कि पूरे पोषक तत्वों से भरपूर है, तो इसकी खाने की चाह हर एक को होती है। और ऐसे टाइम में एक प्रेग्नेंट लेडी, एक गर्भवती महिला जो होती है, उससे भी कहीं ना खाने की चाह होती है, लेकिन किसी एक डर या किसी एक ऐसे मिथ की वजह से वो ये लेने से मना कर देती है, या यूँ कहें कि इसका सेवन करने से मना कर देती है। तो आज यहाँ पर हम यहाँ कुछ डाउट क्लियर करने जा रहे हैं जामुन से रिलेटेड, और कुछ ऐसे नए टिप आपको बताएंगे कि जामुन खाने के फ़ायदे क्या हैं और हमें जामुन खाते वक्त किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। आज इसी चीज़ की चर्चा इस वीडियो पर होगी। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ कि जामुन किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता किसी भी गर्भवती महिलाओं को सेवन करने से। अगर आप गर्भवती हैं और आपको जामुन खाने की इच्छा है तो आप डेफिनेटली खाइए, क्योंकि एक ऐसा वही फल है जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं और आपके साथ आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जामुन खाने के फ़ायदे देखते हैं कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी का टाइम है और आप जामुन का सेवन कर रही हैं तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जो पहला फ़ायदा है, आपको पता है कि जामुन में ऑलरेडी पोटेशियम, मिनरल, फैट, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो इससे जो पहला फ़ायदा आपको मिलता है वो है, अगर आपको दस्त की दिक्कत है या अल्सर की प्रॉब्लम पूरी प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी में बीच में हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ये जामुन सॉल्व कर देगा। तो आप जामुन का सेवन करने से आपको अल्सर और दस्त की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा है, या वो ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको भी वो ठीक कर देता है। बहुत ऐसा होता है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कई बार ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं मिल पाता, तो ऐसे में क्या है कि अगर आप जामुन का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाएगा। अगला जो फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बताया कि जामुन में विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है, तो अगला जो फ़ायदा है, जामुन में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये एक फ़ायदा रहा। अगला जो फ़ायदा है, जामुन में पोटेशियम की मात्रा भी पाई जाती है जिसकी वजह से आपका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो भी कंट्रोल हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट, जो आपका दिल है, वो भी मजबूत बनता है। अगला जो फ़ायदा है, जामुन में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से अगर आपकी डिलीवरी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने जा रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है या अबॉर्शन होने वाला है, तो इस चीज़ से भी वो रोकथाम करता है। तो जामुन का सेवन नियमित करने से बहुत फ़ायदे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो डिलीवरी प्रीमैच्योर होने वाली है उससे वो बचाता है, आपके स्ट्रेस से बचाता है और आपके अबॉर्शन से भी बचाता है। अगला जो फ़ायदा है, कैल्शियम, विटामिन सी और आयरन की मात्रा होने पर आपकी जो हड्डियों की दिक्कत होती है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जामुन की वजह से आपकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं आपके शिशु के भी जो गर्भ में संचार हो रहा है, खून का संचार हो रहा है, उसकी हड्डियों का विकास हो रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए अब हम कुछ ऐसे नुकसान जानते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं जो गर्भवती महिला जामुन खाते वक्त नहीं देती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जामुन एक लिमिट में ही खाना फ़ायदेमंद साबित होता है, अगर आप उसकी लिमिट को क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी देगा। तो जो पहला जो नुकसान ये है, जामुन का सेवन हद से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जामुन का सेवन अगर आप हद से ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कफ और कोल्ड की शिकायत हो सकती है। दूसरा, ज़्यादा जामुन खाने से आपको फीवर आ सकता है, पेट में दर्द रहने की समस्या हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है, और तो और अगर आपका बीपी लो है तो भी आपको जामुन का सेवन करने से बचना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको जामुन खाने से एलर्जी है तो भी आपको जामुन नहीं खाना है। इसका रखना है ध्यान, जामुन को खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, इस चीज़ का रखना है ध्यान, ठीक है। और अगर आपको दूध पीने का मन हो रहा है तो जामुन खाने के 2 घंटे बाद ही दूध का सेवन करना है। और अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप या तो जामुन ना ही खाएं, और अगर आप खा भी रहे हैं तो एकदम थोड़ा सा खाएं। और पूरे दिन में आप जामुन 2 कटोरी खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ या लो बीपी या एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं है तो। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं जो हर एक गर्भवती महिला को पता होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और तब तक बने रहिए चैनल पर। नमस्कार।